सोचा नहीं होगा इस टाइप का भी हो सकता है। तो हमारे डुअर्स में राजा भातखावा में एक नए टाइप का रेस्टोरेंट का इंतजाम हो रहा है। तो गाइस मैं आपको लेके चल रहा हूँ वहीं और आपको दिखाऊंगा रेस्टोरेंट का हर एक चीज। आप मैं लेके आया हूँ आपको राजा भातखावा में, जो कि आप अलीपुर से महज 15-20 किलोमीटर दूर है। और आप अगर उधर हाँसीमाड़ा कालचीनी से होते हुए आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वही 15-20 किलोमीटर के दायरे पे मिलेगा। तो आज मैं राजा भातखावा में आपको क्या दिखाऊंगा गाइस, ये सोच रहे हैं। पहले तो आप आए होंगे, राजा भातखावा एक रेलवे स्टेशन है ये आपको पता होगा, लेकिन मैं आज आपको कुछ अलग दिखाने का कोशिश करूंगा और कुछ अलग ही दिखाऊंगा। तो गाइस देखिए, हम पहुंच चुके हैं राजा भातखावा पहुंच चुके हैं। तो गाइस ये राजा भातखावा ये स्टेशन है। आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाला था और मैं अभी फिलहाल राजा भातखावा रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर ही खड़ा हूँ। और मैं आज यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको कुछ आज अनोखा दिखाने सकता हूँ। मैं अपने पूरी लाइफ में अभी तक मैंने इस टाइप का कुछ अनोखा चीज़ नहीं देखा है, जो कि हमारे डुअर्स में अब जो कि होने जा रहा है, तो शुरुआत हो चुका है बनने का। तो गाइज मैं आपको एक ऐसा रेस्टोरेंट दिखाऊंगा जो कि मतलब आप पहले तो देखे होंगे आप प्लेन के अंदर, लेकिन अब इस बार जो गवर्नमेंट एक नया रेस्टोरेंट लेके आ रहा है जो कि रेल डब्बा जो है उसके अंदर रेस्टोरेंट है। तो गाइस अभी तो वो तैयार हो रहा है, अभी बना नहीं है, तो मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए गाइस, उस साइड पर देखिए, वो देखिए सामने जो आपको रेल दिख रहा है, मैं अभी आपको सामने ले जाके दिखाऊंगा। जो रेल दिख रहा है उसी के अंदर ये सब बन रहा है। तो चलिए गाइस फिर दिखाते हैं अंदर। कुछ दिन आगे ही अभी ये लाया गया है, इसको लाया गया था। गाइस देखिए अंदर बाउंड्री किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे आइए मैं आपको दिखाता हूँ कितना ये स्पेस लिया हुआ है। अभी इस साइड देखिए ये सब बना रहा है, अभी धीरे धीरे इधर का भी बन रहा है और अपनी जगह ले रखा है। इधर देखिए इस साइड भी बन रहा है, और इस साइड देखिए ये ट्रेन का नज़ारा देखिए किस टाइप का बनाया हुआ है। ये देखिए पूरा सामने आइए, मैं सामने दिखाता हूँ आपको अंदर पूरा, मतलब इसका जो सीट वगैरह है सबको निकाल के हटा दिया गया है। इधर देखिए ये सब निकाल के इसका सब चीज निकाल दिया, सीट वगैरह सब। ये देखिए साहब अंदर का दिखा रहा हूँ मैं आपको, सब कुछ इसमें का निकाल चुका है और इसमें अभी रेस्टोरेंट का तैयारी चल रहा है। और इस तरीके का आप बैठ के और आप मजा लेंगे इसमें खाने का, तो आपको कैसा लगेगा सोचिए कितना मजा आएगा आपको। तो गाइस जैसा कि देखिए कितना इस साइड से आपको देखिए, इस साइड से पूरा मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ है और उस साइड जो था पूरा ही मतलब सब उखाड़ फुकाड़ दिया है और एकदम मतलब पूरा बदल के रख दिया है। तो गाइस अगर आपको अगर आना है तो कुछ ही दिन वेट करिए, जैसे ही ये रेस्टोरेंट रेडी होता है उसी प्रकार से मैं एक फिर से नया ब्लॉग डालूंगा इसके ऊपर और फिर आप लोग आना स्टार्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पर शायद बहुत कुछ मिलेगा, अभी यहाँ पर बात करने के लिए कोई नहीं है क्योंकि अभी सब कर्मचारी चला गया और ये प्राइवेट है ये सरकारी है इसका पता अभी तक पता नहीं चला है मुझे। और मुझे जहाँ तक यहाँ के एक दो लोग से मैंने पूछा तो बताया कि अगस्त अभी चल रहा है, मतलब नवंबर दिसंबर दुर्गा पूजा तक शायद ये चालू हो जाएगा। तो गाइज मेरा ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करना पड़ेगा। तो गाइज ब्लॉग कैसा लगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और जैसे ही ये खुलता है मैं आपको तुरंत इसके बारे में एक नया ब्लॉग बनाऊँगा। तो गाइज मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके का नया नया जगह पे मैं लेके जाऊंगा और नया नया दिखाऊंगा एक्सप्लोर करूंगा। तो गाइज अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।